आप सभी लोगों का स्वागत हो दोस्तों। आज हम नवरात्रि स्पेशल हलवा या माता जी का भोग बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए। हमने मीडियम साइज के 4 आलू लिए हैं फ्रेंड्स, इसको हम छील लेंगे फ्रेंड्स। इसको हम छील लेंगे ऐसे करके। इसी तरह इसी प्रोसेस में हम सब छील लेंगे। इसी प्रोसेस में हम इन सबको भी छील लेंगे। हम इसको मीडियम 4 हिस्सों में इसको हम काट लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हम इसको काट लेंगे फ्रेंड्स। हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम आलू ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम आलू में पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारे आलू बफर हो जाए पानी से। हम इसको उबाल लेंगे फ्रेंड्स। हम आलू को उबाल लेंगे फ्रेंड्स। हमने आलू बैठा दिए और इसको हम छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये उबल जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 4 हमने छोहरा लिए हैं फ्रेंड्स, छोहरा लिए हैं। सात काजू लिए हैं। आठ बादाम लिए हैं फ्रेंड्स और 8-9-10 किशमिश लिए हैं फ्रेंड्स। हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे फ्रेंड्स। हमारा आलू उबल चुका है, हम इसको बंद कर देंगे फ्रेंड्स। इसको हम बंद कर देंगे, हमारा आलू उबल चुका है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे फ्रेंड्स। आलू हम लोग ले लिए, इसे मसल देंगे। ऐसे करके मसल देंगे। ये हमने इसे मसल लिया है अच्छे से, मिक्स कर लिए फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा भी गुठली नहीं है फ्रेंड्स, हम मिक्स करके रख दिए हैं। अब हम इसको आपको हलवा बनाएंगे। हम कढ़ाई बैठाती है फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें लगभग 50 ग्राम घी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हमने शुद्ध घी ऐड किया है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ी हमारा घी गर्म हो जाएगी ना, शुद्ध घी गर्म हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू उबाले हुए आलू ऐड कर देंगे। हम गैस को फ्लेम को लो कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको फ्रेंड्स फ्राई करते रहेंगे, हम लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हम नवरात्रि के स्पेशल आलू का हलवा बना रहे हैं फ्रेंड्स। नवरात्रि में आप इसको बनाकर खा सकते हो, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इस तरह भी आप हलवा बनाकर एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। हम इसको लोई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हम इसको इसी तरह फ्राई करते हुए
हम लोग फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी भून जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा ये हल्का हो जाएगी। फ्राई करते रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक ये फ्राई हो जाएगी ना तब तक ये हमारे कढ़ाई में नहीं लगेगी। अभी ये कच्ची है इसलिए हमारे कढ़ाई में लग रही है फ्रेंड्स। नवरात्रि के दिनों में इसको बनाकर आप खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। आपको कुछ लाना ही नहीं है, घर के ही इंग्रेडिएंट्स, घर के ही सामान से आप अच्छी तरह से आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स। ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं, ये झटपट बन के तैयार भी हो जाती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हम फ्राई करते रह रहे हैं, देखिए इसका कलर कितना ही अच्छी तरह से खिल के आ रही है फ्रेंड्स। अब इसको हम फ्राई करते रहेंगे, हमको समझ में जब आ जाएगी पूरा कढ़ाई घी छोड़ देगी और तो समझ में आ जाएगी कि हमारा आलू फ्राई हो चुकी है फ्रेंड्स। आप रात में इसको जरूर से जरूर बनाकर एक बार जरूर से जरूर ही खाइएगा फ्रेंड्स। ये हमने जो मावा लिए थे ना उसको हम पीस लिए है फ्रेंड्स, ये मावा हमने पीस लिए है फ्रेंड्स। देखिए हमारा हलवा बन रही है फ्रेंड्स और घी भी छोड़ रही है फ्रेंड्स। अभी और हम फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह से इसमें से स्मेल सौंधी स्मेल आने लगेगी तब हम इसको बंद कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्राई हो रही है और घी भी ऑलमोस्ट घी छोड़ दी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें ये जो मावा है ना मावा इसमें मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। हम मावा मिक्स करके इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमने मेवे डाल लिए हैं और इसको हम फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हम इसी तरह और फ्राई करेंगे, हमारा घी पूरा वो अब्सॉर्ब हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ये हम फ्राई करते रहेंगे ना, जब फ्राई हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा घी छोड़ देगी फ्रेंड्स। इस तरह आप एक बार जरूर से जरूर आलू का हलवा बनाकर देखिएगा और पेट में नवरात्रि के दिनों में आप जरूर से जरूर एक बार खाकर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम ये फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी और हम फ्राई करेंगे और 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुकी है और ये घी भी छोड़ती है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है फ्रेंड्स, हम और थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसमें हम चीनी ऐड करते हैं इनके फ्रेंड्स। हम 1 कप दूध लिए हैं फ्रेंड्स, इसको हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, हम पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट घी छोड़ती है, पूरा कढ़ाई घी छोड़ती है फ्रेंड्स और कढ़ाई में आलू लग भी नहीं रही है, यानी कि हमारी आलू ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, 1 चम्मच, 2, 3, 4, 5, हम इस चम्मच से 5 चम्मच चीनी ऐड किए हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से इसमें दूध ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम 1 कप दूध ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स, अब इसको हम गैस को फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये फ्राई हो जाएगी तो हमारी चीनी इसमें ऐड हो जाएगी फ्रेंड्स। हमारा उबाल आ रही है फ्रेंड्स, हम इस तरह स्टेयर करते रहेंगे जब तक ये दूध अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। हम गैस को फ्लेम को मीडियम टू हाई रखे हैं फ्रेंड्स।
इस तरह एक बार फिर से चलो अब आलू का हलवा बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में टेस्टी और यम्मी लगती है फ्रेंड्स। इसमें आप पानी नत ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, पानी ऐड करने से आलू का हलवा अच्छा नहीं लगेगा। इसमें दूध ही ऐड कीजिएगा, दूध एब्जॉर्ब होके मावे के में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे आलू का हलवा बहुत ही अच्छी लगेगी, यम्मी लगेगी। फ्रेंड्स हमारा क्वांटिटी ऑलमोस्ट कम होते जा रही है, हमारा दूध एब्जॉर्ब होते जा रही है, हम इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स, हम एक एक हम हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दूध है, दूध कढ़ाई में लग जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए हम हिलाते रहेंगे, हिलाते हिलाते इसमें एब्जॉर्ब कराएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा हलवे दूध तो हम एब्जॉर्ब कर चुका है और हलवे का कलर भी हमारे चेंज होकर येलो कलर आ चुकी है फ्रेंड्स। अभी हम इसको और फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। क्या हो तो जब तक इसका क्यू ना छोड़ दे तब तक ले हम इसको फ्राई करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा घी छोड़ने लगा है, अभी और घी छोड़ेगा, हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही करके रखे हैं फ्रेंड्स। जब तक घी छोड़ लेगा तब तक ले हम इसको फ्राई कर देंगे। देखिए हमारा कलर आलू के हलवे की शाइनिंग आ रही है फ्रेंड्स, अभी और शाइनिंग आएगी तब हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हम और फ्राई करेंगे, जब तक अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे तब तक ले हम इसको। कढ़ाई घी छोड़ रहा है, अब हम अच्छी तरह से कढ़ाई घी छोड़ चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसको और फ्राई करेंगे। अब हमारा आलू का हलवा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इस तरह एक बार आप जरूर से जरूर आलू के हलवा ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्या इसका कलर भी एकदम अच्छी तरह से छोड़ चुकी है और शाइनिंग भी आ चुकी है अच्छी तरह से, इसमें अच्छी तरह से देखिए पूरा शाइनिंग आ चुकी है और कढ़ाई में घी भी छोड़ दी है। देखिए पूरा घी छोड़ दी है, अब हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम प्लेटिंग करने के लिए जा रहे हैं, कढ़ाई में पूरा घी छूट चुका है, अब हम केस को अप करते हैं फ्रेंड्स, अब हम प्लेटिंग करने के लिए जाएंगे फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुकी आलू का हलवा, आप इसे नवरात्रि में व्रत के तीनों में आप इसको खा सकते हैं फ्रेंड्स। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाकर सिखाया है फ्रेंड्स, आप ही इसको एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में इसे आपको झटपट आलू का हलवा बनाकर दिखाती है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।